गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ओरल साइंस में पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 का नाम है लालची अमीर। शब्द चित्र कथा, यहाँ पर आपको चित्र बना हुए हैं, चित्र के चित्र कथा आपको यहाँ दी हुई है। क्या दी है? चित्र कथा दी हुई है। तो कहानी का नाम है लालची अमीर। देखिए, चित्र दिए और चित्र के नाम दिए, इन्हीं के ऊपर एक स्टोरी है। क्या है? इन्हीं के ऊपर एक स्टोरी है, उसका नाम है लालची अमीर। अब देखिए क्या है स्टोरी में, पहले ये देख लीजिए, फिर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए ये कौन है, आदमी। देखिए पिक्चर दे रखी है किसकी, आदमी की। ये क्या है, धन, धन की पिक्चर है। ये कौन है, राजा। ये कौन है, भगवान। ये कौन है, रुपये। ये क्या है, बैग। ये क्या है, घर। ये क्या है, सूरज। तो देखिए आज हमें स्टोरी पढ़नी है, इनके ऊपर दी हुई है स्टोरी, ये पिक्चर्स दी हैं, इनके ऊपर स्टोरी है। तो देखिए, एक, ये कौन है, आदमी, हमने पढ़ा ना यहाँ पर। ये कौन है, आदमी। एक आदमी था, उसके पास बहुत, ये क्या है, धन था। ये कौन है, यहाँ देखिए, राजा। राजा को छोड़कर कोई भी उससे धनी नहीं था। एक आदमी था, उसके पास क्या था, बहुत धन, बहुत पैसा, रुपए पैसा था। और राजा तो सबसे अमीर होता है, तो राजा से कोई अमीर होता है, नहीं होता कोई अमीर, है ना। अब देखिए आगे क्या दिया है, वह राजा से भी धनी हो जाए। कौन चाहता था, वह आदमी। कौन चाहता था, वह आदमी। वो राजा से भी धनी बनना चाहता था। क्या होता है आगे देखिए, एक दिन वह राजा के पास गया। एक दिन वह कहाँ गया, राजा के पास गया। राजा सोने के सिंहासन पर बैठे थे। राजा कहाँ बैठे थे, सोने के सिंहासन। सिंहासन होते हैं जहाँ पर राजा बैठते हैं, वो होता है सिंहासन। तो राजा का सिंहासन कैसा था, उनकी चेयर कैसी थी, सोने की थी। तो सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उस आदमी ने राजा से पूछा, उस आदमी ने, मतलब ये पिक्चर बनी है ना, इस आदमी ने किससे पूछा, राजा से, महाराज आपको इतना धन कौन देता है। आदमी ने क्या पूछा राजा से, राजा से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, महाराज। क्या बोलते हैं, महाराज। वो पूछता है आदमी महाराज से, आपको इतना धन कौन देता है, मतलब आप इतने धनी कैसे हो। तो राजा ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, मतलब आंसर दिया राजा ने, उसका क्या उत्तर दिया, उसने पूछा आपको धन कौन देता है, आपको रुपया पैसा कौन देता है। तो राजा ने क्या बोला, भगवान। किसकी पिक्चर है, भगवान की। राजा ने बोला भगवान देते हैं, और सबको कौन देता है धन, भगवान ही तो देते हैं। तो राजा ने उत्तर दिया, भगवान देते हैं मुझे धन। उसने भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा। किसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, उस आदमी ने। क्या बोला देखो, हे प्रभु, यदि मेरे पास भी राजा के बराबर धन हो जाए तो मैं गरीबों की मदद करूँगा। उसने क्या बोला, क्या बोला, किससे बोला, भगवान से, यदि मेरे पास भी राजा के बराबर धन हो जाए तो मैं भी गरीबों की, जो परेशान हैं, उन लोग की क्या करूँगा, हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। किसने बोला, आदमी ने। अब देखिए आगे क्या है, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान उसकी इस बात से प्रसन्न हुए, वो ऐसी बात कर रहा था कि उस पर पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा, वो सबकी मदद करेगा, गरीबों की मदद करेगा। रात को उस धनी आदमी के सपने में भगवान दिखे। रात को उसके सपने में कौन आए, उसके सपने में कौन आए, भगवान आए। उस धनी आदमी के सपने में कौन आए, भगवान दिखे। उन्होंने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा, तेरी अलमारी में एक, ये क्या है, बैग। पिक्चर में बैग था ना ऊपर, देखिए ये था ना, क्या है ये, बैग।
तेरी अलमारी में एक बैग है, उसमें कुछ, ये क्या है, रुपए, ऊपर पिक्चर में रुपए है ना, ये कुछ रुपए रखे हैं। भगवान ने क्या बोला उसे सपने में आकर, कि तेरी अलमारी में एक बैग है और उसमें कुछ रुपए रखे हैं, तुम उसमें से जितने रुपए निकालोगे उतने ही उसमें और रुपए आ जाएंगे। भगवान ने उससे कहा तुम उस बैग में से जितने भी रुपए निकालोगे उतने उसमें बैग में बढ़ते ही चले आएंगे, कम नहीं होंगे पैसे, उसमें रुपए कम नहीं होंगे। तो क्या होता है आगे देखिए, तुम एक एक करके चाहे जितने भी रुपए निकाल सकते हो, तुम एक एक करके चाहे जितने भी रुपए निकाल सकते हो। भगवान ने क्या कहा, तुम एक एक करके निकालना, ठीक है, और चाहे कितने भी निकालना, निकलते चले आएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। जब तुम्हारा मन भर जाए तो तुम उस बैग को घर, ये क्या है, घर, घर से बाहर फेंक देना। जब तुम्हारा पैसों से मन भर जाए तो उस बैग को क्या करना, जिसमें से वो रुपए निकाल रहा था उसमें से क्या करना, फिर उस बैग को क्या करना, बाहर फेंक देना। और कहाँ से बाहर फेंक देना, घर से बाहर फेंक देना। तो भगवान ने उससे ये बोला तुम चाहे कितने भी रुपए निकालो मगर उस बैग को घर से बाहर फेंक देना। आगे क्या होता है, यदि तुमने बैग नहीं फेंका तो सभी रुपए कागज के हो जाएंगे। तो भगवान ने उससे ये भी बोला अगर तुमने घर से बाहर बैग नहीं फेंका तो सभी रुपए क्या बन जाएंगे, कागज के बन जाएंगे। इसलिए बैग का इस्तेमाल केवल एक बार ही करना। उन्होंने बोला बैग का इस्तेमाल केवल एक ही बार करना, क्या करना, बैग का इस्तेमाल केवल एक ही बार करना, चाहे जितने तुम्हें पैसे निकालना है निकाल लेना, एक ही बार में निकाल लेना, क्या करना, एक ही बार में निकाल लेना और घर से बैग को बाहर फेंक देना। आगे देखिए क्या होता है, उस धनी आदमी ने झटपट बैग निकाला और उसमें से एक एक करके रुपए निकालने शुरू कर दिए। उस आदमी ने बैग तुरंत निकाला और उसमें से एक एक करके रुपए निकालना शुरू कर दिए। बैग कहाँ से निकाला, उसने अलमारी में से बैग निकाला और तुरंत रुपए निकालना शुरू कर दिए। आगे क्या है, ये क्या है, सूरज, क्या है ये, सूरज निकला, सुबह हुई, फिर सायं और उसके बाद रात। मतलब वो पैसे निकाल रहा था, सुबह हुई, सुबह हो गई, फिर शाम हुई, सायं और उसके बाद रात हो गई। यही चलता रहा परंतु उसने रुपए निकालने बंद नहीं किए, उसने रुपए निकालना बंद नहीं किए, वो निकालता रहा और पैसे उसे रुपए मिलते रहे। आगे क्या होता है, वह उस बैग से केवल एक बार ही रुपए निकाल सकता था। वह केवल कितनी बार बैग से रुपए निकाल सकता था, केवल एक बार निकाल सकता था। इसलिए वह कई दिनों तक रुपए निकालता रहा। वो तो एक बार निकालना था मगर वो तो डेली निकाल रहा था। तो फिर आगे क्या होता है, एक बार में निकाल लेते ना, एक बार में निकाल लो एक ही दिन में, है ना, और वो डेली निकाल रहा था। तो पहली भगवान ने मना कर दिया था, एक बार में निकालना है जितने निकाल लो, अगर तुम नहीं निकालोगे मतलब डेली निकालोगे तो वो रुपए क्या हो जाएंगे, कागज के बन जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, बीच में उसे भूख प्यास भी लगती, बीच में उसे क्या लग रही थी, भूख प्यास, किंतु लालच के कारण उसे लगता कि थोड़ा रुपए और निकालने के बाद ही खाना पीना ठीक रहेगा। उसने अपनी भूख प्यास ही मार दी, उसने कहा पहले मैं रुपए निकाल लूँ। कितना लालची था वो आदमी, लालच के कारण उसे अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं थी, वो रुपए निकालने में लगा हुआ था और अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं कर रहा था। खाना नहीं खाएगा फिर क्या होगा, बताइए क्या होता है, खाना नहीं खाते तो बीमार पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते हैं, है ना। तो उसने अपनी भूख प्यास की चिंता नहीं कर रही, उसने अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं की और रुपए निकालने में लगा हुआ था। आगे देखिए क्या होता है, कई दिन बीत गए, वह धनी
आदमी लोगों को दिखाई नहीं दिया। कई दिन ऐसे बीत गए, वो रुपए निकालता रहा और वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा आदमी। ठीक है, आगे क्या होता है, कुछ लोगों ने उसके घर जाकर देखा, कुछ लोगों ने उसके घर जाकर देखा, भैया वो है कहाँ, वो आदमी है कहाँ, वो तो दिख ही नहीं रहा, रोजाना दिखता था, आज तो दिख ही नहीं रहा। तो लोगों ने उसके घर जाकर देखा, तो आगे देखिए क्या होता है, तो वह कागजों के ढेर पर मरा पड़ा था। तो वो कहाँ मरा पड़ा था, कागजों के ढेर पर। वो पैसे क्या बन गए थे, वो रुपए क्या बन गए थे, वो कागज़ के बन गए थे, क्योंकि उसने भगवान की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि एक बार में निकाल लेना, जितना मन करे एक बार में निकाल लेना, और वो तो रोज़ाना निकाल रहा था, तो वो कागज़ के बन गए क्या नहीं बन गए। तो वो जो रुपए थे वो कागज़ के ढेर में बन गए, और वो कागज़ के ढेर पर मरा पड़ा मिला उन लोगों को जो घर में उनके देखने गए, उसे क्या मिला, मरा हुआ पड़ा हुआ मिला वो आदमी। कौन आदमी, धनी व्यक्ति। अब देखिए, बताइए सभी बच्चे, कैसी लगी आपको स्टोरी, अच्छी लगी ना। अब देखिए इसमें शिक्षा दी हुई है, शिक्षा, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, लालच के कारण हमारा बुरा हो सकता है। और हमने इस कहानी से और क्या सीखा, देखिए इस आदमी ने क्या किया, लालच किया ना, तो उसके साथ बुरा हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए उसके बैग से एक बार ही, उसे बैग से एक बार ही रुपए निकालने थे, लेकिन वह कई दिनों तक रुपए निकालता रहा और रुपए कागज़ के बन गए। और उसने लालच के कारण अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं की। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार लालच के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, लालच के कारण हमारा बुरा हो सकता है, तो लालची नहीं बनना चाहिए हमें। ओके बच्चों, अच्छी लगी आपको स्टोरी लालची अमीर आदमी की। चलिए ओके बच्चों, अच्छे से रीड करिएगा, बाय बाय।